आप सुन रहे हैं अनुराग कुमार जीनियस की लिखी किताब आई हेट लव स्टोरी मेरे यानी कृतिका के साथ ओनली ऑन बुक ऑडियो। जब वह थाने पहुंचा तो पाटिल के साथ अक्षय भी बैठे हुआ था। दोनों ने उठकर उसका अभिवादन किया। बैठो बैठो, अनोखे लाल ने कहा और अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ गया। उसके बैठने के बाद वे दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। क्या अर्जेंट काम था, अनोखे लाल ने पाटिल से पूछा। जवाब में पाटिल ने अक्षय की तरफ देखा। अनोखे लाल की नजरें भी अब अक्षय पर जा टिकी। तुम्हें कुछ कहना है, अनोखे लाल अक्षय से पूछा। जी मुझे कुछ दिखाना है, अक्षय तुरंत बोला। क्या, वह सीधा हुआ। अक्षय ने जेब से एक पेन निकालकर मेज पर रख दी। यह तो पेन है, अनोखे लाल चिढ़कर बोला। जी पर यह सिर्फ पेन ही नहीं बल्कि एक मैजिक पेन है। मैजिक पेन, क्या यह जादू करता है, अनोखे लाल मुस्कुराया। जादू तो नहीं करता, फिर? दरअसल यह एक नई टेक्नोलॉजी है। इस पेन में किसी भी बात को रिकॉर्ड किया जा सकता है, फोटो वगैरह भी खींची जा सकती है। सुना तो है ऐसे पेन के बारे में, पर क्या इस पेन को दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया? दोनों हड़बड़ा गए। आपने मनीष को चेक किया, अक्षय ने पूछा। हाँ क्यों, क्या बताया उसने? कुछ खास नहीं। आपको उसकी बात से क्या लगता है, वह मुजरिम हो सकता है? अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी यह क्लियर नहीं हुआ है। उसे प्लान के बारे में पहले से तो कुछ पता ही नहीं था। वह कहता है कि उसको प्लान के बारे में उसके पापा ने बताया अभी कुछ दिन पहले। वह झूठ बोलता है, उसे प्लान के बारे में सब कुछ पता था। तुम यह सब कैसे कह सकते हो इतने दावे के साथ? अनोखे लाल की अनुभवी नजरें उसे घूरी। पहले तो मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, पर आज जब इस पेन को उठाया तो पता चला और मैं सीधे आपके पास चला आया। अनोखे लाल ने पेन की तरफ देखा। इस पेन का क्या चक्कर है भाई, विस्तार से बताओ जरा। बात दरअसल यह है, जिस दिन मैं दीक्षा के साथ भागा था उसी दिन भागने के कुछ घंटों पहले आराध्या मुझसे मिलने आई थी। आपको पता ही है कि वह मुझसे प्यार करती थी, पर उसका तो कहना है कि वह तुम्हें भूल चुकी है। वह तो आप कह रही है ना, मैं 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा आगे? पर मैंने कभी जाहिर नहीं किया कि मेरे दिल में उसके लिए वैसी कोई फीलिंग नहीं है। जब थी ही नहीं तो जाहिर क्या करता। खैर वह मुझसे मिलने आई, कुछ बातें की और मुझे यह पेन भेंट कर दी। बोली मार्केट गई थी, वहाँ यह मैजिक पेन देखा और मुझे भेंट करने के लिए खरीद लिया। उसका दिल ना टूटे इसलिए मैंने वो पेन रख ली। फिर वह वहाँ से चली गई और कुछ देर बाद मनीष मेरे पास आया। क्यों? पहले तो मैं समझ नहीं पाया था, मुझे तो उसके मेरे घर में आने की उम्मीद तक नहीं थी। मैं उसे अपने घर पर देखकर बहुत हैरत में पड़ गया था, पर बाद में पता चला कि कॉलेज के कैंटीन में हुए झगड़े के लिए माफ़ी मांगने आया था। मुझे वह बहुत सच्चा लगा तो मैंने भी दिल साफ कर उसे माफ़ कर दिया और उसे गले लगा लिया था। उसके कहने भर से दोस्ती की नई शुरुआत हो गई थी। फिर उसने ड्रिंक्स के लिए कहा और मुझे ऐतराज़ भी नहीं हुआ और हम दोनों ने शराब पी ली, और नशे में ही मैं दीक्षा को सुधारने का सारा प्लान बता गया था। क्या? हाँ सर, पर मुझे तो इस बात का कोई इल्म भी नहीं था। आज इस पेन को उठाया तो पता चला। उस दिन शायद अनजाने में रिकॉर्डिंग की बटन भी दब गई होगी, तभी ये सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। अनोखे लाल ने पेन उठाया और पेन में लगी एक बटन दबाई तो मनीष व अक्षय की बात सुनाई पड़ने लगी। बातचीत में अक्षय नशे की धमक में दीक्षा को सुधारने के लिए बने प्लान के बारे में मनीष को बता रहा था। पाटिल कुछ ज्यादा ही उत्तेजित नजर आ रहा था, जबकि ऐसी यही हालत अनोखे लाल की भी थी। ठीक है, अब मैं मनीष को देखता हूँ, अनोखे लाल दांत पीसते हुए बोला। फिर अक्षय वहां से रुखसत हो गया। पाटिल तुम एक काम और करो, अक्षय के जाते ही अनोखे लाल ने पाटिल को कहा। क्या सर? जानकी मोहन के आदमी हरिराम का पता लगाओ। कहने के साथ साथ अनोखे लाल ने हरिराम का एड्रेस भी बताया जो उसे जानकी मोहन से हासिल हुआ था। ओके सर, मैं इस काम पर हवलदार दयाराम को भी नियुक्त कर देता हूँ। बढ़िया, और तुम्हें याद है ना क्या करना है? जी। अरे आप, ड्राइंग रूम के दरवाजे पर अनोखे लाल को देखकर चौंक पड़ा जगजीवन, जबकि अनोखे लाल मुस्कुराते हुए पास पहुंचकर ठिठका फिर सोफे पर विराजमान हो गया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। कैसे आए? खामोशी के तालाब में जगजीवन ने पहला पत्थर फेंका। बाइक से? अरे मेरा मतलब कि काम। मनीष नहीं दिख रहा है, जगजीवन की बात को नजरअंदाज करते हुए अनोखे लाल इधर उधर देखते हुए बोला। मनीष क्यों? अगर वो घर पर है तो बुलाइए, कुछ गुफ्तगु करनी है। जगजीवन के माथे पर सिलवटें पड़ी। मनीष से आप क्या बातचीत करना चाहते हैं? मनीष घर पर है?
लगा जैसे अनोखे लाल ने उसकी बात ही ना सुनी हो। हाँ है, तो उसे बुलाइए प्लीज। जगजीवन उठा तब मनीष वहां आ गया, अनोखे लाल को देखकर चौंका। बैठ जाइए, हजरत खुद ही आ गए हैं। अनोखे लाल ने मनीष पर नजरें गड़ाते हुए जगजीवन से कहा तो वह वापस सोफे पर बैठ गया। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, मनीष ने उसका अभिवादन किया। नमस्ते, आओ बैठो, तुमसे कुछ गुफ्तगु करनी है। क्या करनी है? यह नए लड़के तो उर्दू जैसे समझते ही नहीं है। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अनोखे लाल बनावटी गुस्से में बोला। मनीष अपने पापा के बगल सोफे पर बैठ गया। कल हमारी मुलाकात हुई थी, याद ही होगा, अनोखे लाल ने भूमिका बांधना शुरू किया। मनीष कुछ नहीं बोला। आप कल भी मनीष से मिले थे? जगजीवन जरूर बीच में हैरानी दर्शाते हुए बोला। अनोखे लाल ने पहले जगजीवन की तरफ देखा फिर मनीष की तरफ। मैंने तो सोचा था कि तुमने अपने पापा को मुलाकात के बारे में बता ही दिया होगा। उसमें ऐसा कुछ लगा ही नहीं मुझे जो मुझे बताना पड़ता। तुम पर दीक्षा की मौत के जिम्मेदार होने का शक किया जा रहा है और तुम कहते हो कि तुम्हें ऐसी कोई बात ही नहीं लगी। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मनीष का दीक्षा की मौत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उसे तो सच में मैंने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया, कभी भी नहीं बताया। मैंने कब कहा कि आपने बताया? आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? बीच में मनीष ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। कल तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम्हें दीक्षा को सुधारने के लिए बने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता पहले से। अनोखे लाल उस पर दृष्टि जमाते हुए बोला। यह आप क्या कह रहे हैं? वह बौखला गया। मुझे सच में प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप मनीष पर इसलिए शक कर रहे हैं क्योंकि प्लान मुझे पता था, जगजीवन फिर से इंटरफेयर किया। पर आपका शक बेबुनियाद है, मैंने ऐसे प्लान के बारे में उसे कभी नहीं बताया। मैंने कहा क्या कि प्लान के बारे में आपने मनीष को नहीं बताया? फिर मैंने कल सच कहा था, मुझे प्लान के बारे में भनक भी नहीं थी, मनीष पूरी दृढ़ता के साथ बोला। अगर मैं कहूं कि तुम्हें पूरा प्लान पता था तो? मनीष बेचैन दिखने लगा। कैसे कैसे, इसे भला प्लान के बारे में कैसे पता हो सकता है? जगजीवन जी, हर चीज तक पहुंचने के अनेक तरीके होते हैं, स्रोत होते हैं। हाँ लेकिन, जगजीवन ने परेशान होकर बंगले झांकते हुए मनीष की ओर देखा। मनीष अब काफी विचलित दिख रहा था, फिर भी साहस कर वैसा ना दिखने की भरपूर चेष्टा करते हुए बोला, यह आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे प्लान के बारे में पता था? अनोखे लाल अदा से मुस्कुराया। पट्टे ने कातिलाना मुस्कान बिखेर दी थी। वैसे ही फिर अदा से ही बोला, जैसे तुम कह रहे हो, फर्क तो बस इतना है कि तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने का सबूत नहीं है जबकि मेरे पास है। क्या है सबूत? मनीष की व्याकुलता इस बार उभर कर सामने आने लगी। यानी बिना सबूत के तुम कबूल नहीं करोगे कि तुम्हें प्लान पहले से पता था? ठीक है, मैं सबूत पेश करता हूं, बड़े ही नाटकीय अंदाज में वह बोला और जेब से अक्षय द्वारा दिया गया मैजिक पेन निकालकर बीच में रखी चमचमाती टेबल पर रख दिया। ये क्या है? मनीष ने तुरंत उत्तेजित स्वर में पूछा। अब यह भी बताना पड़ेगा कि यह पेन है, वह तो मुझे भी नजर आ रहा है। मनीष बुरी तरह चिढ़ गया। अच्छा तो मैं बता देता हूं कि जो चीज नजर नहीं आ रही है, दरअसल ये एक मैजिक पेन है। मैजिक पेन? हाँ, पर इसका मतलब यह नहीं है कि इसे अलादीन के चिराग की तरह घिसा जाएगा और सारी फरमाइश एक पलक झपकते ही पूरी हो जाएगी किसी जिन्न के हाजिर होने पर। मैजिक पेन यह एक नई टेक्नोलॉजी है। इस पेन में लिखने की बेसिक क्षमता के अलावा इसमें कैमरा भी है जिससे फोटो खींची जा सकती है, बातचीत को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। आप पेन की खूबियां क्यों बता रहे हैं? आप यह बताइए कि मनीष को प्लान पता था तो कैसे? जगजीवन ने टोका। मुझे अक्षय ने बताया। अक्षय ने? बाप बेटे दोनों चौंके। हाँ, उसका कहना है कि प्लान के बारे में उसने ही मनीष को बताया। वह झूठ बोलता है कमीना, मनीष गुस्से में बोला। आप खुद सोचिए, भला अक्षय प्लान के बारे में मनीष को क्यों बताएगा? जगजीवन ने मनीष की बात का खुलकर समर्थन किया। आपने सच कहा, पर उसने बताया है, यह बात पूरी तरह से सच है। बाप बेटे दोनों हैरत में पड़ गए। और यह पेन इस बात का सबूत है? फिर उसने पेन में रिकॉर्ड बातें सुनाई और यह भी बताया कि वे बातें कब किस जगह कैसे रिकॉर्ड में आए वगैरह वगैरह। अब तुम क्या कहोगे मनीष? रिकॉर्ड की गई बातें सुनाने के बाद पेन जेब में रखकर अनोखे लाल ने पूछा। मनीष ने बेचैनी से पहलू बदला, सूखे होंठों पर जबान फेरी। जगजीवन भी हक्का बक्का बैठा रहा,
थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद अंततः मनीष बोला, मुझे प्लान पता था, लेकिन मैंने गोलियों में हेर फेर नहीं की। कल झूठ क्यों बोला था कि तुम्हें प्लान नहीं पता था? मैं डर गया था। क्यों? मैंने सोचा कि कहीं आप मुझे दीक्षा की मौत का जिम्मेदार न समझ ले। फिर उस समय दिमाग में मेरे बहुत उलझन थी। निर्णय नहीं कर पा रहा था कि प्लान के बारे में आपको बताना चाहिए कि नहीं। अगर मैं कहूं कि तुमने जानबूझकर झूठ बोला था, मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? तुम्हें क्या पता था कि अक्षय ने नशे में प्लान के बारे में जो तुम्हें बताया है वह अनजाने में इस मैजिक पेन के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। खुद अक्षय को भी याद नहीं था। अगर बाई चांस यह बातें पेन में रिकॉर्ड ना हुई होती तो क्या सबूत था? कुछ नहीं। अक्षय को अगर याद होता भी और वह कहता कि नशे की हालत में उसने ही तुम्हें प्लान के बारे में बताया था तो शायद कोई नहीं मानता, क्योंकि लगभग सभी को पता था कि दीक्षा को लेकर तुम दोनों में अनबन थी। सब यही सोचते हैं कि उसी अनबन के चलते अक्षय तुम पर आरोप लगा रहा है। आप चाहे जो सोचें, पर मैंने कल डर की वजह से ही आपको नहीं बताया था। और भले ही मुझे प्लान पता हो, पर गोलियों में हेरफेर मैंने नहीं की। मैं सच कह रहा हूं, मेरा विश्वास करो। मैं सही सोच रहा हूं, अनोखे लाल ने भी दृढ़ता से कहा। साबित नहीं कर सकते? क्या साबित नहीं कर सकता? फिर अनोखे लाल ने सामान्य लहजे में पूछा। यही कि गोलियों में हेरफेर मनीष ने की, जगजीवन पूरी निडरता के साथ बोला। इस पेन की वजह से सिर्फ आप यही साबित कर सकते हैं कि मनीष को प्लान के बारे में पता था, जो कि और भी लोगों को पता था। अनोखे लाल सोच में पड़ गया। आप वैसे ठीक फरमा रहे हैं, फिर उसने धीरे से कहा, और सच यही है कि मनीष का दीक्षा की मौत से कोई भी लेना देना नहीं है, जगजीवन ने आगे जोड़ा। एकाएक अनोखे लाल उठ बैठा। अब मुलाकात तभी होगी जब मैं हर बात साबित करने के लायक होऊंगा। मैं खुद चाहता हूं ऐसा हो, और बहुत जल्द हो, ताकि रोज रोज की जिल्लत से छुटकारा मिल सके। आपकी अमुराद जरूर पूरी होगी। इतना कहकर अनोखे लाल मनीष पर कहर बरपाती नजर डालकर लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से रुखसत हो गया। घर के बाहर खड़ी अपनी बाइक पर पहुंचा ही था कि तभी उसको फोन आया। हेलो, उसने फोन कान से लगाया। हेलो सर, पाटिल की आवाज उभरी। आप राधा मोहन जी के घर आ जाइए जल्दी। कोई खास बात है क्या? आप आइए तो। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। क्या बात थी पाटिल? राधा मोहन के बंगले पर पहुंचने पर उसे पता चला कि पाटिल राधा मोहन के बंगले की दूसरी मंजिल पर स्थित बेडरूम में है, तो वह वहां पर धंधनाता हुआ पहुंचा और पाटिल से सीधा पूछा, मुझे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ मिला है। युवा सब इंस्पेक्टर पाटिल थोड़ा चहक कर बोला। क्या? अनोखे लाल थोड़ा चौंका। ये पाटिल ने जेब से एक रुमाल निकाली और उसमें लिपटी दो चीज उसे दिखाई, एक ब्रेसलेट और दूसरी घड़ी। अनोखे लाल उन्हें काफी देर तक गंभीरता से देखता रहा। इसके अलावा एक और चीज मिली है। क्या? इधर आइए। पाटिल कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ गया। अनोखे लाल उसके पीछे पीछे हो लिया। पाटिल रूम की एक बड़ी खिड़की के पास पहुंचकर ठिठका, ये देखिए सर। पाटिल खिड़की की ओर इशारा करके बोला, इस कांच की खिड़की का थोड़ा सा कांच काटकर किसी ने पहले बाहर से अंदर हाथ डालकर सिडनी खोली और फिर खिड़की खोलकर अंदर आ गया। या तो मुझे भी समझ में आ रहा है, पर इसमें खास क्या है? जवाब में पाटिल ने खिड़की के दोनों पल्ले खोल दिए। खिड़की के खुलते ही बंगले के पिछवाड़े का लॉन दिखाई पड़ने लगा, जो पहले भी खिड़की से भी दिखता था, पर वह अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। पीछे लाल में लाल पत्थरों वाली ईंटें बिछी हुई थी। बाउंड्री वालों के किनारे पेड़ पौधे लगे थे तथा बाउंड्री वॉल के उस तरफ रोड था। वह एक रिहायशी इलाका था। रोड पर यदा कदा ही लोग बाहर नजर आते थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर खूबसूरत महंगे बंगले बने हुए थे। पाटिल खिड़की खोलकर नीचे झांकते हुए बोला, आप ये रेन पाइप देख रहे हैं सर? अनोखे लाल ने आगे बढ़कर नीचे झांका। दीवार से सटा हुआ ऊपर की ओर जाता हुआ रेन पाइप खिड़की के बिल्कुल नजदीक था। गोलियां बदलने वाला शख्स इसी रेन पाइप की मदद से ऊपर आया, कांच काटा, खिड़की की सिटकनी खोली और खिड़की खोलकर अंदर आ गया, फिर गोलियां बदलकर वापस चला गया। लेकिन तुम बता रहे थे कि तुम्हें एक और खास चीज मिली है। हाँ, और वह शायद गोलियां बदलने वाले की हड़बड़ी से उत्पन्न होने के कारण। क्या? अनोखे लाल ने बीच में टोक दिया। रेन पाइप के निचले सिरे पर एक लोहे की पत्ती के आसपास काफी सूखा खून लगा है। शायद वह नीचे उतरते वक्त हड़बड़ी में खुद को घायल कर बैठा होगा। चलो फिर नीचे चल के देखते हैं। फिर दोनों नीचे आ गए और एक लंबा चक्कर काट के पिछवाड़े रेन पाइप के पास पहुंचे। यह देखिए सर,
पाटिल ने आगे बढ़कर रेन पाइप के लोहे की उस पत्ती की तरफ इशारा किया जिससे रेन पाइप दीवार में सटा हुआ था और उस पत्ती में खून लगा था। अनोखेलाल ने गंभीरता से आगे बढ़कर पत्ती पर लगे खून का मुआयना किया, नीचे जमीन पर भी देखा जहां खून की कुछ बूंदें उसे नजर आई। फॉरेंसिक विभाग की टीम को फोन करो, अनोखेलाल ने फिर आदेश किया। मैंने पहले ही कर दिया सर। गुड। शाम के वक्त अनोखेलाल विचार मग्न बैठा था। गुड इवनिंग सर, पाटिल उसके पास पहुंचकर बोला। गुड इवनिंग। उसने पाटिल की ओर नजरें उठाई। सर, उस खून की रिपोर्ट आ गई है जो हमें बंगले की रेन पाइप के लोहे की पत्ती पर मिला था। बढ़िया। वह फौरन सीधा हुआ और थोड़े उत्तेजित स्वर में बोला, रिपोर्ट में क्या आया है? आप खुद ही देख लीजिए सर। पाटिल ने हाथों में पकड़ रखी फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। अनोखे लाल ने फाइल में रखी खून की उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा। इंटरेस्टिंग, वह खुश होकर बोला। अब हम असली मुजरिम तक जल्दी पहुंच पाएंगे। आप यह इसलिए कह रहे हैं सर क्योंकि खून की रिपोर्ट में आया है कि खून में ब्लड कैंसर के लक्षण पाए गए हैं। हाँ, अब हम सभी प्लान जाने वालों का मेडिकल चेकअप कराएंगे और जिसका ब्लड ग्रुप और कैंसर के लक्षण इस रिपोर्ट में मैच किए वही हमारा टारगेट होगा। हाँ सर, लेकिन प्लान जाने वालों में से किसी का भी ब्लड ग्रुप ना तो रिपोर्ट में आए ब्लड ग्रुप से मैच करता है और ना ही उसमें किसी को ब्लड कैंसर है। यह भी पता कर लिया तुमने? जी। अनोखेलाल गंभीर होता चला गया। फिर तो जरूर यह काम किसी और से करवाया गया है जिसे ब्लड कैंसर होगा। तुमने हरिराम के बारे में पता किया? पाटिल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तभी उसका फोन बजा। उसने फोन निकालकर स्क्रीन पर नंबर देखा तो बोला, हवलदार दयाराम का है सर, मुझे दो फोन। अनोखेलाल कुर्सी से उठते हुए बोला। पाटिल ने उसे फोन थमा दिया। हेलो दयाराम, क्या खबर है? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या खबर है? कुछ पता चला हरिराम के बारे में? सर मैं हरिराम के गांव पहुंचा था पर सर अभी तक वह गांव नहीं पहुंचा है। गांव नहीं पहुंचा है? यहां तो गांव जाने की रट लगाया था। फिर कहां गया वो? अनोखेलाल चिंतित स्वर में बोला। उसके घर वालों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है सर। वे कहते हैं कि हरिराम कुछ महीनों से बेहद चिड़चिड़ा हो गया था, बात बात पर लड़ बैठता था, मरने मारने पर उतारू हो जाता था, इसलिए उन लोगों ने उससे बात करना छोड़ दिया था। वह 2 महीने पहले ही राजनगर जा रहा हूं ऐसा कहकर शहर आया था। घर वालों को बस इतना ही पता है सर। वह बात बात पर लड़ने क्यों लगता था? क्या वजह थी? सर घर वाले तो इस बारे में कुछ नहीं बताए। गांव से पता चला कि कोई प्यार वार का लफड़ा था। गांव की एक लड़की को वह बहुत चाहता था, उससे शादी करना चाहता था पर दूसरी कास्ट के होने की वजह से घर वाले उसकी शादी नहीं करवा रहे थे। फिर एकाएक पता नहीं क्या हुआ, लड़की की डेथ हो गई। अरे कैसे? पता नहीं सर पर तब से ही हरिराम का स्वभाव बहुत चेंज हो गया था। यानी उसके बारे में कुछ नहीं पता कि इस समय वो कहाँ है, है ना सर? क्या पता है हरिराम कहाँ है? हाँ, इस समय वो शारदा हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? हाँ, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया था इसी वजह से। ओ, पता कैसे लगाया उसके बारे में? बस ऐसे ही बातों बातों में मुझे एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया सर। मेरे मन में शंका उठी सर कि कहीं हरिराम का एक्सीडेंट ना हो गया हो इसीलिए वह गांव नहीं पहुंच पाया हो। और दूसरी वजह यह भी सर कि एक्सीडेंट उसी दिन हुआ जिस दिन हरिराम राजनगर से गांव के लिए निकला था। यानी इस बारे में जानकी मोहन सही बोलता जान पड़ रहा था। एक्सीडेंट में किस्मत से ही बचा सर, वरना लोगों के मुताबिक एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हुआ था। लोगों ने टाइम पर इंसानियत दिखाई और उसे पास के शारदा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। पर लगता है ऐसा एक्सीडेंट जानबूझकर कराया गया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर एक तो प्रत्यक्ष दर्शकों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि गाड़ी ने जानबूझकर हरिराम को ठोका और दूसरे हॉस्पिटल वालों ने बताया कि कल रात हरिराम जिसे अभी होश नहीं आया है उसके कमरे में घुसकर किसी ने उसे मारने की कोशिश की। क्या? हाँ, पर हॉस्पिटल वालों की सजगता की वजह से वह बच गया। मामला तो बहुत गड़बड़ है। फिलहाल तुम वहीं पर रहो, इस केस को सुलझाने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है वो।